पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही क्षण बाद उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। दूराजाजी मार्ग पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। दोपहर करीब 2:30 बजे प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार होगा। कल दिल्ली में सेना अस्पताल में प्रणब मुखर्जी ने आखिरी सांस ली थी। 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली। अब से थोड़ी देर बाद प्रणब मुखर्जी के पार्थिव शरीर को राजाजी मार्ग पर ले जाया जाएगा। 4 तस्वीरें यादों में प्रणबता। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अभी फिलहाल सेना के अस्पताल में ही पार्थिव शरीर को रखा गया, लेकिन इसके बाद राजाजी मार्ग पर लेकर आना है जहां पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। लोकल पुलिस आ गई है, मेरी आवाज यहाँ पर मौजूद है, और जो रूट है वो क्लियर कराने का काम शुरू कर दिया गया है। दरअसल 9:15 बजे के आसपास का टाइम रखा गया है। जी हिमांशु, देखिए 9:15 बजे के आसपास का टाइम रखा गया है। 10 राजाजी मार्ग जो घर है वहां पर, तो उसके हिसाब से यहाँ से 9:40 से 9:45 के आसपास का निकलने का टाइम रखा गया है, और उसके लिए हम दिखाएंगे तमाम जो तैयारियां हैं वो देखिए यहाँ पर कर ली गई हैं। लोकल पुलिस की आप देखिए PCR की गाड़ियां यहाँ मेन रोड पे मौजूद है। आर्मी के यहाँ पे, चूंकि आर्मी का हॉस्पिटल है, आर्मी की तमाम जो सिक्योरिटी के वो पूरे इंतजाम है वो कर लिए गए हैं। रूट पूरा क्लियर कराने का काम शुरू कर दिया गया है। जो तमाम रूट है उसको चॉकआउट कर लिया गया है। रूट पर जो ट्रैफिक पुलिस है जगह जगह उनको तैनात कर दिया गया है, और जो गाड़ियां हैं फूल से सजी गाड़ी और जो तमाम प्रोटोकॉल है उसको यहां पर पूरा कर लिया गया है। अब इंतजार है कि किसी भी वक्त यहां से पार्थिव शरीर को लेकर प्रणब मुखर्जी की गाड़ियां निकल सकती हैं। 9:15 बजे से लेकर के 10:15 बजे तक जो विशेष लोग हैं उनके श्रद्धांजलि अर्पण करने का टाइम है। 11 से 12 बजे का जो वक्त है वो आम लोग हैं उनके लिए है, और 2:30 बजे के आसपास का जो वक्त है लोधी रोड पे अंतिम संस्कार का वक्त तय किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, शोक में पूरा देश है। 7 दिन के राष्ट्र शोक का भी ऐलान किया गया है, और आज हर कोई प्रणबदा को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि भी दे रहा है। जैसे कि हिमांशु भी बता रहे हैं, पूरे रूट को एक तरीके से क्लियर किया गया। कितनी देर में पार्थिव शरीर को यहां से ले जाया जाएगा? और उससे पहले ये तस्वीर भी देखिए, प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को याद किया, श्रद्धांजलि उनको दी। चरण छूने वाली तस्वीर भी उन्होंने शेयर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को याद किया ट्वीट के जरिए भी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।